हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एडवेंचर आइस पॉइंट पर। कई दिनों तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में दौड़ने वाला ऊंट वैसे तो शाकाहारी जानवर होता है, लेकिन वह सांप भी खा लेता है। जी हाँ, जहरीला सांप, जिसका नाम सुनते ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, ऊंट को वही सांप खिलाया जाता है और वो भी जिंदा। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, आखिर रेगिस्तान के जहाज को सांप क्यों खिलाया जाता है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। तो शुभारंभ करते हैं। दरअसल ऊंट को एक अजीब बीमारी होती है, ऐसी स्थिति में वह खाना पीना छोड़ देते हैं, शरीर अकड़ने लगता है। मध्य पूर्व में ऐसी मान्यता है कि ऊंट का इलाज करने के लिए उसे जहरीला सांप खिलाना जरूरी होता है। इसके बाद ऊंट के मालिक उसके मुंह को खोलते हैं और जहरीला सांप डाल दिया जाता है। इसके ठीक बाद पानी भी डाला जाता है, जिससे वह सांप अंदर चला जाए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है। इस बीमारी को हायम कहते हैं, इसका मतलब जिंदा सांप निगलना बताया जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि वैज्ञानिक इस रहस्यमय बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, जिससे ऊंट का इलाज किया जा सके। ऐसे में ऊंट मालिक को किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप या पाइथन भी खिलाने पड़ते हैं। माना जाता है कि इससे सांप का जहर ऊंट के शरीर में फैल जाता है। जब असर कम होने लगता है तो ऊंट भी ठीक होने लगता है। कुछ दिन में ऊंट पूरी तरह से चंगा हो जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बहुत से वीडियो इस तरह से उपलब्ध हैं। जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टरों की माने तो यह कीड़े के काटने से बीमारी होती है। ऊंटों में गर्भपात के साथ मौत भी हो सकती है। इसके लक्षण बुखार, आँखों से आंसू गिरना, एनीमिया, शरीर का फूलना, ऊर्जा की कमी आदि है। इलाज ना होने पर ऊंट के मरने का खतरा रहता है। डॉक्टर सांप खिलाने से ऊंट के ठीक होने की बात को एक मिथक मानते हैं। इस बीमारी के साथ यह भी जान लीजिए कि ऊंट शांत प्रजाति का जानवर माना जाता है। इसे धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक कहा जाता है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और यह एक बार में 100 से 150 लीटर तक पानी पी सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।